शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। विश्व शांति सेवा समिति नागपुर और संत गुलाब बाबा भक्त परिवार इनके संयुक्त तत्वावधान में रघुजी नगर के धर्मार्थ दवाखाना परिसर में मुफ्त किताबें, चश्मे और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान पीआई सत्यवान माने, डॉक्टर संजय लहाने, शकुंतला जी, चंद्रहास राउत और निर्मला गोयनका के हाथों किया गया। इस मौके पर विद्यार्थी और परिसर के लोगों ने लाभ लिया। विश्व शांति सेवा समिति नागपुर और संत गुलाब बाबा भक्त परिवार इनके संयुक्त तत्वावधान में रघुजी नगर के धर्मार्थ दवाखाना परिसर में निशुल्क चश्मा वितरण किया गया। रक्तदान शिविर, कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र, स्कूली बच्चों को किताब आदि का वितरण किया गया और कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर सकदरा के पुलिस निरीक्षक सत्यवान माने, शकुंतला अग्रवाल, चंद्रहास राउत, डॉक्टर संजय लाने आदि मौजूद थे। इस बारे में पीआई सत्यवान माने इन्होंने जानकारी दी। विश्व शांति चैरिटेबल सेवा समिति की ओर से आज यहाँ पे कुछ अच्छा कामकाज किया जा रहा है। आइए हम जानना चाहेंगे उनसे कि ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इस समय हमारे साथ में माने जी है। माने जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये विश्व शांति बहुउद्देशीय संस्था, उनके तरफ से डॉक्टर लहाने जी है और ये पूरा उनका जो टीम है, उन्होंने जो सबसे पहले तो ये किया है कि कोरोना में जो कोविड योद्धा करके जिन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है, उनका उन्होंने यहाँ पे सत्कार किया। और यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको नोटबुक बांटना, इसके पहले कोरोना के टाइम पे वो अनाज बांटना, उन्होंने अच्छा काम किया है। इसलिए हम आप ऐसे लोगों को इनके कार्य से प्रेरणा मिलती है, लोगों ने उनका लाभ भी लेना चाहिए इस टाइम पे, वही मैं कहना चाहूँगा इसमें। आज के इस प्रोग्राम में रक्तदान भी, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। संजय लाने हमारे साथ में। संजय जी, बताए कि रक्तदान जो शिविर आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा उत्सव निमित्त परम पूज्य आमचे संत गुलाब बाबा यांचा जन्मोत्सव व विश्व शांती सेवा समिति परम पूज्य देवकिंजी ठाकुर महाराज व सार्थक बोधिशी संस्था यांचा संयुक्त विद्यमान घेण्यात आला आहे। जवळपास कोरोनाच्या काळात ज्याज्यांनी तळागाळातली सगळे पत्रकार बंधू असो, समाजकार्य लोक असो, त्यांचं एक त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा म्हणून त्यांचा सत्कार घेण्यात आला व गोल वस्ती व इतर जे काही गरजू मुलं आहे, आपल्याला माहीत आहे शाळा जरी सुरू नसल्या पण ते काहीतरी गुंतवीत राहावं त्याकरता त्यांना फुल डिस्ट्रीब्युशन आणि पुस्तक वाटप व 27 तारखेला नेत्र तपासणी शिबिर घेण्यात आलं होतं। अशा सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत चष्मे वाटप व इतर कार्य आमचा नेहमी सुरू असतो। उद्यापासून सुद्धा आमच्या धर्मार्थ दवाखाना सोमवारी क्वार्टर इथे 7 तारखेपासून ते 6 तारखेपासून ते 7 तारखेपर्यंत इथे नेत्र तपासणी शिबिर आयोजित केलेलं आहे व असे अनेक कार्य आमच्या संस्थेच्या मार्फत अनेक सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून होत असतो। आणि याच प्रकारे मी सर्वांना विनंती करतो की कोरोना अजून पूर्णपणे संपलेला नाही आहे। आता आदरणीय माने साहेबांनी जे मार्गदर्शन केलं की सोशल डिस्टन्सचं पालन करावं व जे काही आपल्याला शासनाने नियम दिले आहे ते सगळं मान्य करावं, याचप्रमाणे मी सांगू इच्छितो। धन्यवाद। विश्व शांति सेवा समिति की ओर से जिस प्रकार से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका परिसर के तमाम नागरिकों ने लाभ लिया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग को हर किसी ने कार्यक्रम का लाभ लिया है, क्योंकि परिसर के नागरिकों को लाभ दिलाने का काम है विश्व शांति सेवा समिति की ओर से ये किया जा रहा है। इस ये पहल का काफ़ी सराहना भी इस समाज की ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।